नमस्कार दोस्तों, सैम एलसीए जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पुलिस से संबंधित जितने भी जीके जीएस प्रश्न बनते हैं, जो एसएससी, रेलवे और जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेषकर पुलिस एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, याद रखिएगा। और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं शुरू करा, क्या करा, पुलिस पूछेगा पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहते, तो पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते। किसे कहते? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे पूछेगा कि पुलिस किस सूची का विषय है। अगर पुलिस पूछे किस सूची का विषय है, तो राज सूची का विषय है। किस सूची का विषय, ध्यान रखिएगा, राज सूची का। दोस्तों, पुलिस से संबंधित प्रश्न है ना, ठीक है। अभी देखिएगा, शरीर का पुलिसमैन किसे कहते, तो शरीर का पुलिसमैन किसे कहते हैं, WBC को। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में, और WBC का जीवन काल क्या होता है, उसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ काम आप भी कीजिए, ठीक है। विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो अगर पूछे विश्व का अगर पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। किसे? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। देखिए, यहाँ समझने योग्य बात है, पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो अस्थाई अगर सदस्य पूछे ना तो 5, अस्थाई सदस्य पूछे तो 10। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी पूछे कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। यहाँ और एक बात और समझिएगा कि हैदराबाद पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे, भूलिएगा नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। लेकिन पूछे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, और कौन से ग्रह को जुड़वा शहर कहते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, और जो महत्वपूर्ण है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और देखिए, भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं, किसे? भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं, किसे? बिस्मार्क। और बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया, किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन एकेडमी कहाँ खोला गया, तो ये याद रखिएगा, चेन्नई में। कहाँ खोला गया? चेन्नई में। और चेन्नई से संबंधित एक प्रश्न है, चेन्नई का पहले क्या नाम था? मद्रास था। कब? 1996 में चेन्नई किया गया। और समझिएगा, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो अगर दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर पूछेगा तो चेन्नई ही है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एक विश्व का कौन सा ऐसा देश है, विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य अनिवार्य किया था, ये देश का नाम इजराइल है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टपक सिंचाई प्रणाली की शुरुआत भी कहाँ से हुई, तो इजराइल से। कहाँ से हुई? इजराइल से। और इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लीजिएगा। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्टिगेशन तकनीकी भारत जो आया, कहाँ से आया? इजराइल से आया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रशासनिक सुधार किसने किया, तो प्रशासनिक सुधार पूछे किसने किया, तो शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने किया, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, शेर शाह सूरी ने। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया, तो हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान शुरू किया, तो याद रखिए, कौन सा? पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब राज्य ने। और पंजाब, देखिए यहाँ पे समझिएगा, अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब विशेष एग्जाम दीजिएगा तो आपको पूछेगा गुरुदासपुर, कहाँ? गुरुदासपुर, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु। और याद यहाँ पे और समझने की क्वेश्चन कीजिएगा कि चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया, कहाँ?
पंजाब में। पहले तो पूछा जाता है अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ, 1899 इसमें बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन कब हुआ, कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और एक क्वेश्चन और, इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन पुलिस से संबंधित प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप जितने भी डिफेंस का एग्जाम है ना, जैसे बिहार SI और UPSI, मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी प्रश्न सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो उनका क्वेश्चन अधूरा माना जाता है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, यहाँ से आपके डिफेंस एग्जाम में तो विशेषकर पूछा ही जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों।